नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नित्यानंदिनी। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो होने जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, जो कि अगर किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ होगा तो डेफिनेटली मेरी वीडियो से रिलेट करेंगे, और अगर किसी के साथ नहीं हुआ होगा तो उनको आज की मेरी वीडियो से पता चलेगा कि हमें किस तरीके से इन फ्रॉड से बचना चाहिए और इस वीडियो के थ्रू वो अवेयर होंगे। आज की वीडियो में जो मैं फ्रॉड बताने वाली हूँ किसी और के साथ नहीं, मेरी खुद की सिस्टर के साथ हुआ है। मेरी सिस्टर से खुद ही सुनिए कि उनके किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हुआ है, कैसे अपना पैसे लॉस किया है। पर इससे पहले गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ऑनलाइन शॉपिंग में भी फ्रॉड होते हैं और इससे हमें बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो गाइस, अब मैं बुलाती हूँ अपने सिस्टर को। सो शी इज माई सिस्टर नीतू शुक्ला। हाय एवरीवन। सो अब हम दीदी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ। तो यहाँ मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने किस ऐप से शॉपिंग की, किस डेट को शॉपिंग की और आपने क्या मंगाया था? मैंने आजियो ऐप से शॉपिंग की थी। मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, वो भी 1 सितंबर को मैंने ऑर्डर किया था। ओके, सो अब यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि आपने किस अमाउंट में जो सूट है वो परचेज किया था, आपका डिस्काउंट आपको कितना मिला था, कितने अमाउंट में मिला था? उस सूट का प्राइस था 1799 और डिस्काउंट के बाद मुझे वो मिला था 1079। तो कितना परसेंट उस पर डिस्काउंट मिला? एक्चुअली मिला नहीं था, मतलब मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ था 1079। मतलब आपको डिस्काउंट कुछ 30-40% मिला होगा। तो अब आप बताएं कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद आपको डिलीवरी डेट क्या मिली थी? मुझे डिलीवरी डेट मिली थी 15 सितंबर। ओके, तो मीन्स आपने ऑर्डर किया था फर्स्ट को और आपको डिलीवरी मिली थी 15 सितंबर की। डेट मिली थी, हाँ डेट 15 सितंबर, मतलब 15 डे का आपको बीच में गैप था, उसके बाद आपको ऑर्डर मिल जाना चाहिए था। पर आप बताएं मुझे, फिर हुआ कि आपको कब मिला या नहीं मिला या बाद में मिला, क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक्चुअली फिर 7 सितंबर को मुझे कॉल आया, एक कॉल या मैसेज? नहीं, कॉल आया मुझे। ओके, 7 दिन पहले ही कॉल आ चुका था, डिलीवरी डेट थी कि 15th की। हाँ, उनका मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो एड्रेस दिया है वो सही है क्या एड्रेस, उन्होंने एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल किया। तो मैंने कहा, उनसे मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल एड्रेस कंफर्म है, सही है एड्रेस। तो ये कॉल आपको आजियो से ही आया था? हाँ, आजियो के डिलीवरी बॉय से ही आया था और 10 से 11 के बीच में आया था मॉर्निंग में। आपकी उससे बात हुई, आपने बता दिया कि हाँ कंफर्म किया कि ये एड्रेस मेरा ही, उसके बाद फिर क्या हुआ? बस उसने एड्रेस कंफर्म किया और डिस्कनेक्ट कर दिया फोन। ओके, मीन्स उसके बाद आगे कोई भी इनिशिएशन नहीं हुआ इस टॉपिक पे कि मुझे आगे क्या करना है, हम आपको देने आ रहे हैं, आप कैसे ले नहीं सकते, कोई भी बात नहीं? ऐसे कोई बात नहीं हुई, ना कोई ऐसा मैसेज आया, हाँ ना ऐसी कोई बात हुई, बस उतनी बात होगी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर आपको कैसे पता चला कि आपका अभी तक आया नहीं, हमारे साथ फ्रॉड हो रहे हैं, कि आपने फिर आगे क्या किया इसके आगे? बस फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। फिर 2:30 बजे के टाइम करीबन मुझे एक मैसेज आया कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया है। सो आपके पास डिलीवर्ड हो गया आपका प्रोडक्ट, इस चीज का आपके मैसेज आ चुका है और आपके पास कोई भी डिलीवरी वाला प्रोडक्ट नहीं आया, तो आपने फिर इस पे क्या किया? फिर मैंने उसी बॉय को रिकॉल किया। ओके, उसी नंबर पे आपने रिकॉल किया, तो उसने रिसीव किया। मैंने उनसे कहा कि भैया आप आए नहीं अभी तक और डिलीवर्ड का मैसेज आ गया है मुझे, तो बोले कि मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, डिलीवरी बॉय आपका दूसरा है और आप उसी को कॉल बैक कीजिए। तो मैंने कहा मेरे पास उसका नंबर नहीं है, तो उन्होंने कहा आप मैसेज दीजिए। मैंने कहा मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और आपका काम जाने, मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, सो मतलब जिस व्यक्ति ने पहले आपको कॉल करके पूछा था कि यही आपका एड्रेस है और उसने कंफर्म कराया था, दोबारा फिर वही बोलता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्ट आए या नहीं आए, या आ चुका है डिलीवर हो चुका, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर सीधा सीधा फ्रॉड किया गया है। पहले एक व्यक्ति कॉल करता है और आपका एड्रेस कन्फर्म करता है, और दोबारा जब उसे कॉल किया जाता है डिलीवरी का मैसेज के बाद, तो बोलता है कि नहीं हमें आज इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है, कोई और प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है किसी के भी साथ कि कोई यहाँ पर डिलीवरी बॉय अपना काम नहीं करना चाहते, छुट्टी मनाना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा फ्रॉड हुआ ना। और इन्होंने क्या किया था, आपने पैसे कैसे दिए थे? आप भी मेरे से गलती यही हो गई ना, मैंने ऑनलाइन पेमेंट पहले ही कर दिया था। सो देखिए फायदा उठाया गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के में क्या नतीजा मिला, कि पेमेंट चला गया इनका कितना 1079 रुपीज इनके चले गए, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं आया और डिलीवरी बॉय के साथ मिसबिहेव करता है। आपने मुझे यहाँ बता दिया है कि आपकी क्या क्या बात हुई और कैसे आप डिलीवरी बॉय से बात हुई और क्या हुआ। सो अब मुझे आगे बताएं कि इन सब चीजों
के बाद आपने क्या रिएक्शन किया? उसी दिन मैंने डिलीवरी बॉय से बात करने के बाद मैंने आजू की कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो वहां पर मैंने बोला, मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी कंप्लेन कर देते हैं, आप दो चार मतलब आप थोड़े दिन वेट कीजिए। तो मैंने वेट किया, उन्होंने मुझे डेट दी कि आप 12 तारीख तक वेट कीजिए। 12 तारीख तक वेट किया, 12 तारीख तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने उनकी कंप्लेन की, फिर 12 तारीख को फिर मैंने फिर से कॉल किया, तो उन्होंने मैंने जिससे बात की उन्होंने कहा कि आपकी कोई कंप्लेंट ही नहीं हुई थी, इसका मतलब उन्होंने मुझे 7 तारीख को बेवकूफ बनाया था कि आपकी कंप्लेंट हो चुकी है। मतलब उन्होंने आपसे कह दिया कि आपकी कंप्लेंट रेज हो चुकी है पर हुई नहीं थी। हुई नहीं थी क्योंकि मैंने 12 को जब कॉल किया तो उन्होंने कहा आपकी कैसे कोई कंप्लेंट रेज ही नहीं हुई। 12 तारीख को क्या किया? फिर मैंने 12 को फिर उनसे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी कंप्लेंट लिख देती हूँ, 15 तारीख तक आप देखिए। तो फिर 15 को भी कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने 2-3 दिन उसका वेट किया, फिर मैंने उसके बाद फिर 15 को कॉल किया उनको और वेट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे मतलब इसी टाइप से टालते हैं कि हाँ आपकी कंप्लेंट हो गई है आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं, आप तो आप अपने किसी हेड से बात करा दीजिए मेरी। तो वो बोले कि हम तो वर्क एट होम करते हैं, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ओके, मींस ये काम करते हैं आजियो में और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर ये काम क्यों करें? आज भी किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है वो भी सपोर्ट सिस्टम के लिए, तो उसके पास इतनी अथॉरिटी भी नहीं है कि वो अपने कस्टमर को प्रॉपर सॉल्यूशन दे सके, उनको कंसोल कर सके, उनको बता सके कि हम आगे आपके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने साफ मना किया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं, तो ये कैसी साइड है? ये सब कुछ हुआ, उसने कहा कि हमें कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर आपका क्या रिएक्शन था? फिर मैंने कहा नहीं आपको तो मुझे किसी हेड से बात करानी पड़ेगी आपके, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी रिक्वेस्ट डाल देते हैं। दोबारा उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट डाल देते हैं आपको, आपको 4 से 5 घंटे के बीच में हमारे किसी सीनियर का कॉल आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके पास 4 से 5 घंटे के बीच में कॉल आया? मैंने 2 दिन तक वेट किया, फिर 2 दिन बाद फिर से कॉल किया, तो मैंने कहा आपने तो कहा था कि आपको कॉल आएगा कोई आपके सॉल्यूशन के लिए किसी हेड से, तो वो बोली कि नहीं आपकी तो कोई किसी कॉल की कोई रिक्वेस्ट ही नहीं हुई है। अच्छा, हाँ उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मैंने उनसे थोड़ा लाउडली होकर बोला कि नहीं आपको कोई सॉल्यूशन तो बताना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आज आपकी रिक्वेस्ट डालते हैं, आपको 1 दिन के अंदर कॉल आ जाएगा, नहीं तो आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। पर फिर मैंने 2 दिन वेट किया पर कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो फिर आपने 2 दिन बाद क्या किया? फिर मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रहे थे वो, तो फिर मैंने अपनी सिस्टर के फोन से फोन किया उनको, तो उन्होंने फोन उठाया, फिर मैंने बोला कि फिर उन्होंने फिर से पूरा, एक तो उन्होंने जितनी बार भी कॉल रिसीव किया उतनी बार पूरी इन्फॉर्मेशन दी, कब प्रोडक्ट आपने प्लेस किया था, किस डेट को किया था, उसको ऑर्डर किया था, ये था, इतना इरिटेट कर दिया था मुझे। मतलब कि आपको पूरा मेंटली टॉर्चर किया, आपने पहले से आपके पैसे भी जा चुके थे, उसके बाद आपको मेंटली हरास किया गया है। यहाँ पर बार बार सेम क्वेश्चन पूछ के बार बार आपको हर चीज दोबारा से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करनी पड़ी, उसके बाद भी आपकी रिक्वेस्ट भी नहीं डाली गई और हर बार कहा गया कि हम आपकी रिक्वेस्ट रेस कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी रिक्वेस्ट रेस नहीं की गई और कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया गया आपको, आप यही कहना चाहती है ना? हाँ, लास्ट में मैंने उनसे कहा ठीक है आप मुझे प्रोडक्ट मत दीजिए, आप मेरा मनी रिटर्न कर दीजिए मुझे। तभी वो लोग उसके लिए भी तैयार नहीं थे। फिर लास्ट टाइम तो बोल रहे हैं कि हमने तो आपको डिलीवरी कर दी है और हमने आपको डिलीवरी कर चुके हैं, आपको मिले चाहे नहीं मिले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और ऐसा कोई कॉल कभी भी किसी भी साइड से आप कुछ लेते हैं तो सबसे पहले जब आपके पास प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले आपके पास कॉल आता है कि मैम आपका प्रोडक्ट आ गया है आप रिसीव कर लीजिए, पर मेरे पास ऐसा कोई कॉल नहीं आया एक भी, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने झूठ किया है, फ्रॉड किया है, या तो उन्होंने प्रोडक्ट अब डिलीवरी बॉय ने अपने पास रख लिया है या फिर प्रोडक्ट वहां से आया ही नहीं है। सो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश शुक्ला के साथ इस तरीके से फ्रॉड किया गया। उन्होंने पहले अमाउंट पे कर दिया तो इसका उन्होंने पूरा पूरा फायदा उठाया, उनका पूरा अमाउंट रख लिया गया और उनको डिलीवरी भी नहीं की गई है। सब जानते हो कि जब भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट डिलीवर होता है उससे पहले हमारे पास कॉल आता है, वो बोलते हैं कि आप बाहर आइए, हम आपको प्रोडक्ट लेके गेट पे खड़े हुए, आप कहाँ रहती है, किस जगह पे रहती है, हम 2 मिनट दूर है, और आपको बाकायदा प्रोडक्ट देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमें रेटिंग भी कीजिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, साफ कहा गया कि हमने आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है, हमें कोई मतलब नहीं है आप सब पहुंचा है ना पहुंचा, आपके पैसे कट चुके और आपको दोबारा पैसे नहीं मिलेंगे। और समय समय पर उन्होंने कॉल किया उसका कोई भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आज एक ऐसी साइट है जो लोगों के साथ फ्रॉड करती है, तो आपको इस फ्रॉड से बचने के लिए ध्यान रखना है कि आपकी जब भी कोई साइट पर शॉपिंग कर रहे हैं तो पूरा उसका पता लगाएं कि वो जेन्युइन साइट है या नहीं। आज के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी सिस्टर का एक्सपीरियंस रहा है, उससे तो मुझे यही पता चलता है कि आज जेन्युइन साइट नहीं है।
तो इस पूरे इंसिडेंट से हमें यही पता चलता है कि हम जब भी शॉपिंग करें तो कोशिश करें कि हम कैश ऑन डिलीवरी रखें, ताकि इससे ये तो हो कि अगर हमारे साथ फ्रॉड भी हो तो हमारा पैसा बच जाए। और इन सब फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ऑनलाइन भी इन चीजों की कंप्लेंट होती है, आप 1004 पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ला सकते हैं। हो सकता है शायद आपका पैसा वापस ना आए, पर इससे इनिशिएशन तो होगा। ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन जो साइट है, उनको इस बात से सबक मिलेगा कि हम ऐसा किस फ्रॉड किसी और के साथ ना करें, क्योंकि लोग कंप्लेंट करेंगे और हमारी साइट को इससे नुकसान हो होगा और हो सकता साइट बंद हो जाए। तो अब जो मेरी दीदी के साथ हुआ है तो वो हम लोग उसकी कंप्लेंट करने जा रहे हैं 1004 पे, और जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। मेरे पास बात यहाँ पैसे की नहीं, बात यहाँ झूठ की है, यहाँ फ्रॉड की है। तो हमें ऐसी कंपनी को सबक देना पड़ेगा ताकि आगे से मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी फ्रॉड ना हो और हम लोग सेफ शॉपिंग करें। और गाइस, हम लोग कंप्लेंट करने जा रहे हैं, अगर आगे कोई भी इनिशिएशन होता है, कोई प्रोसेस होती है, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे कि आखिरकार हुआ क्या है। सो गाइस, आपको क्या करना है, आज की मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी देने अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आपने क्या किया है इसके लिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। जल्दी बताऊंगी मैं आगे क्या हुआ है और जल्दी मिलूंगी कुछ नए वीडियोस, कुछ नए आइडियाज, कुछ नए हॉल के साथ। तब तक कि अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें। बाय बाय।